हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है इसमें मैंने पहले ही सोच रखा था कि मैं आपसे कुछ बातें हैं जो शेयर करनी है मुझे, और आज मुझे ये टाइम मिला कि मैं आपसे बातें शेयर कर सकूं। क्या हैं चीज़ें जिनको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं? सबसे पहली चीज़, कुछ बच्चों का मेरे को कॉल आता रहता है, कुछ बच्चे मेरे से बात करते रहते हैं, मैम पढ़ाई नहीं हो पा रही है, किस तरीके से पढ़ाई करें, ठीक है, या फिज़िक्स के अंदर हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं और हमारा स्कोर किस तरीके से इंक्रीज़ करेगा। तो मैं सिर्फ फिज़िक्स के लिए नहीं, जनरल आपको कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। कई बार हम फील करते हैं कि वी आर नॉट मूविंग ऑन द राइट ट्रैक एंड समटाइम्स वी नीड सम मोटिवेशनल वर्ड्स सो दैट कैन ब्रिंग अस ऑन द राइट ट्रैक। तो वो चीज़ें हमें कई बार राइट ट्रैक पे ले आएँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि किसी की बातें हमें उस चीज़ पे ले आएँ जिस पे हम आना चाहते हैं। तो सबसे पहले बेटे कि अगर आप अपना सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो तो आप सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बनाइए अपना। सो सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल आप 1 आवर से स्टार्ट करिए। सो 1 आवर की स्टडी जो है ये आप इससे स्टार्टिंग कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि 1 आवर का स्टडी जो टाइम टेबल है आपका वो सफिशेंट होगा। देखो, स्कूल की क्लासेस हो गई आपकी, आपकी कोचिंग क्लासेस हो गई, उसके बाद आपकी जो सेल्फ स्टडी है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि आपने अपना टाइम टेबल कैसे सेट किया हुआ है। अगर नहीं सेट किया हुआ है, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि 1 आवर से आप स्टार्ट करिए। पहला 1 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए निकालिए, देन उसको 2 घंटे पे लेके जाइए, देन 3 घंटे मैं आपको मिनिमम एडवाइस करती हूँ। तो अगर आप मेरे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और अभी से भी आप फॉलो करना शुरू कर देंगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेल। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, उससे ज़्यादा आएगा आपका स्कोर, ये मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ, 100% एश्योर। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि एक तो अपना सेल्फ स्टडी के लिए टाइम टेबल आपको फिक्स बनाना है और उसको स्टिक आउट करना है, यानी कि उस पर बने रहना है, उसको फॉलो करना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। सेल्फ स्टडी का अपना टाइम टेबल बनाइए। दूसरी चीज़, सेलेक्ट अ बुक, कोई भी एक बुक सेलेक्ट करिए, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू सेलेक्ट द NCERT तो आप उसको रीड करिए। इफ़ यू वॉन्ट टू सेलेक्ट एनी रिफ्रेशर, ठीक है, विच एवर इज़ कम्फर्टेबल टू यू, दैट मीन्स जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो, आपको लगता है कि ये वाली बुक मुझे समझ में आती है, कोई भी एक बुक सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 12th की NCERT की लैंग्वेज डिफिकल्ट है, यू सेलेक्ट एनी अदर रिफ्रेशर। आप SL अरोड़ा सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें न्यूमेरिकल कंटेंट भी अच्छा है। तो जो भी बुक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, मेरी पहली प्रेफरेंस होगी NCERT। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, NCERT तो मैम थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी एनी बुक ऑफ योर चॉइस। आप कोई भी अपनी बुक जो है, जो भी आपको पसंद है, जिसका कंटेंट आपको समझ में आता है, जो भी समझ में आती है बुक आपको, आप उस बुक को स्टार्ट करिए, रीड करिए। मैं उसको ये नहीं बोल रही उसको 100% क्रेम करना है, लर्न करना है, रीड द बुक, चैप्टर रीड करिए उससे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना टाइम टेबल, नंबर 1 पॉइंट, स्टडी, सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल, अपने स्कूल की क्लासेस, ट्यूशन की क्लासेस को लीव करके उसके बिसाइड आप कितना स्टडी करते हैं तो वो आपको देखना है। नेक्स्ट, आपको कोई भी एक बुक सेलेक्ट करनी है जिसको आपको रीड करना है, रीडिंग करनी है जिस बुक की आपको। नेक्स्ट, जो टाइम टेबल आपने बनाया है उस पर किसी भी कंडीशन पे चेंज नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि आपने 2 दिन पढ़ाई करी, तीसरे दिन फिर आप उसमें से गायब हो जाएं, ठीक है। अगर आप अपना गोल सेट नहीं करोगे तो विदाउट गोल जो है बेटे लाइफ में कुछ अचीव नहीं होता है, ये मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ। जो सक्सेस होती है वो उन्हीं को मिलती है जो अपने एम को सेट रखते हैं और उस पर रेगुलरली कंटिन्यूसली वर्कआउट करते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं कोई काम कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं उसको फिर सीरियसली काम कर रही हूँ, या तो नहीं कर रही हूँ या कर रही हूँ तो सीरियसली कर रही हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रीडिंग ज़रूर करनी है आपको बुक की, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द NCERT बैक क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स सॉल्व हैं NCERT में, जब आप चैप्टर को पढ़ चुके होते हैं तो आप जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं एटलीस्ट उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम आए आप मुझे इंडिविजुअली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉल भी कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम आए वो आप मुझे अगर यूट्यूब के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से बात कर सकते हैं, आई विल जस्ट रीकनेक्ट विद यू, ठीक है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान रखना जो NCERT के एग्जाम्पल्स हैं उसको आपको बहुत अच्छी तरह से फोकस करना है। अभी मैं आपको 10 ईयर्स के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन अभी कुछ बच्चे उस कंटेंट पे नहीं आए होंगे, लेकिन जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो पिछले कम से कम 5 साल के जो बोर्ड पेपर्स होते हैं
उनको अगर हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या पूछा है बोर्ड ने पिछले 5 सालों में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है जो हमें काफ़ी हद तक रियलाइज़ कराता है कि पिछले साल क्या आया था, उससे पहले क्या आया था, क्या अगर हम इस पेपर को अटैम्प्ट करते तो हम कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको अटैम्प्ट नहीं कर पाते. सो जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो अभी लैकिंग है. तो सबसे पहले मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं, उन 3 चीज़ों को 4 चीज़ों को आप ओबे करेंगे. सेल्फ स्टडी अपनी जनरेट करिए, स्टार्ट करिए उसको, 3 घंटे का सेल्फ स्टडी से स्टार्ट करिए, ठीक है. और 1 आवर से स्टार्ट करिए, 2 आवर्स पे लेके जाइए, 3 आवर्स पे लेके जाइए. मिनिमम एडवाइस है 3 आवर की सेल्फ स्टडी. देन सेलेक्ट अ बुक, कोई भी एक बुक सेलेक्ट करिए जिसको आप रीड कर सकते हैं. देन ट्राई टू अटेम्प्ट द एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड बैक क्वेश्चंस, ठीक है. उन क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को करना सबसे पहली प्रायोरिटी है. सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पे जा सकते हैं. सो ये चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी, और काफ़ी टाइम से मैं डिसाइड कर रही थी कि ये मैं आपके से शेयर करूं. और आने वाले टाइम में भी मैं कुछ और वीडियोस शेयर करूंगी जिसके थ्रू मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी कि आप किस तरीके से अपने जो एम है उसको अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से क्या चीज़ को फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. या अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज़ के लिए कि आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है हार्डवर्क. बिना हार्डवर्क के सक्सेस नहीं मिलती है. तो ये सोच लेना किसी का लक साथ दे गया इसलिए नंबर आ गए, ठीक है. 1-2 नंबर के लिए बोल सकते हो, 4-5 नंबर के लिए बोल सकते हो. स्कोर जो है वो लक से नहीं आता है, हार्डवर्क से आता है, ठीक है. तो ये चीज़ आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने वीडियो के थ्रू शेयर किया है. ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू, ठीक है. तो आपके सपने तब तक पूरे नहीं हो सकते जब तक आप वर्क नहीं करेंगे, ठीक है. एक और चीज़, डोंट बी द सेम, बी द बेटर. सो ये नहीं है कि अगर हम कल वो काम कर रहे थे उसे बेटर करने की कोशिश करिए. सो ये मुझे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको शेयर किए हैं. होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और जितनी जल्दी समझ में आ जाएंगी दैट विल बी गुड, और आपके लिए बेटर होगा, ठीक है. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड.